गई ना। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज देख सकते हो, आज हूँ मैं शिमला में और यहाँ पे बंदर है। ओह माय गॉड, बाहर बंदर था। तो मैं अभी शिमला में हूँ और बस हम लोग जा रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पे ये था, क्या बोलूँ मैं इसको, BNB बोलूँ, क्या बोलूँ, होटल तो नहीं बोलूँगी मैं इसे। ये जो भी है हमारा रहने का ठिकाना, हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। और चेकआउट अभी हम जा रहे हैं क्रेग नैनो जाके। अभी थोड़ा बारिश का भी मौसम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको ना। थोड़ा सा यहाँ पे ना लंगूर थे तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। उफ़, तो मैंने आज बाल बांध दिया है क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ऑयली से हो रहे हैं, बट मुझे इनको हेयर वॉश नहीं करना, मतलब हेड वॉश नहीं करना है। और मैंने आज लगाई है बहुत सारी सनस्क्रीन जिसकी वजह से मेरा मुंह है चमक। यह है अमृता, ये रहा अमृता का आई फूड। वेट फॉर द डे, टाटा। और ये है मेरा, एंड दिस इज माय आउटफिट डे। और मैं आपको इधर के कमरे से व्यू दिखाती हूँ, विच इज सो अमेजिंग। और यहाँ पे बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। बंदर वगैरह भी है बाहर ना, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। बस लिटरली शूज नहीं थे तो हम लोग जा रहे हैं। दिस इज द बाथ। मेरे ग्लासेस कहाँ हैं? तो हम लोग जा रहे हैं। कुछ आता नहीं है तो हम लोगों को ऐसे ही जाना पड़ेगा बारिश भीगते हुए। ये ऊपर गाड़ी थी यहाँ पे, पहुंच चुके गाड़ी तक। आप देख सकते हो बारिश में भीगते भीगते आए हैं बहुत ज्यादा भाग भाग के। एंड आई वाज वेयरिंग हील्स, बहुत फनी लग रही थी भागती हुई। और अब हम लोग जा रहे हैं क्रेग नैनो और फिर हम वहीं पे जाके आपको मिलते हैं, क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, दूसरी चीज़ मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और मेरे फ़ोन इसमें चार्ज नहीं होता है। तो आज मैंने फॉर अ चेंज मैंने अपने बालों को कुछ और करा है, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। ये ग्लासेस के साथ ज़्यादा बेटर लग रहा है, यू नो, इससे मेरा पूरा गोल मटोल मुंह दिख रहा है। मैंने हाफ अपने हाफ बाल बांधे हैं, हाफ छोड़े हैं, जस्ट टू गिव दैट शार्प लुक, यू नो। बट अभी मैं ये पहन नहीं सकती क्योंकि धूप नहीं है, तो इट्स ओके। स्टाइल मारिंग एवरीवन, स्टाइल। तो चलो अब अपनी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं क्रेग नैनो की। दिस इज शिमला व्लॉग, शिमला व्लॉग पार्ट टू। कितना शोर मचाया है थोड़ी देर में। और हमारे पास स्नैक्स के लिए है, ये यहाँ पे है स्प्राइट, यहाँ पे है पंजाबी तड़का और यहाँ पे है स्नैक लाइट और केले, तो हम लोगों का पेट फुल रहेगा। और मैंने विशाल मगामार्ट से दिखाना, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विशाल मगामार्ट से मैंने ये लिया है 429 रुपीज़ का कंबल। मेरे पास ऐसा ब्राउन कलर का भी है, सो आई जस्ट वॉट इट फॉर माई सेल्फ अगेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बस अब हम जाते हैं क्रेग नैनो, वहीं पर मिलते हैं। फॉर दैट बाय बाय कर अमृता, बाय गाइस। हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग यहाँ पे जो ये ढली है, ढली के चौक में खड़े हैं क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक है। आप देख सकते हो इतना सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, ओह माय गॉड, पता नहीं किस वजह से। इधर देखो यहाँ पे भी एक बस है, कहीं कहीं से कुछ भी निकल जाता है, इतने छोटे छोटे से रोड है यहाँ पे। मुझे ढली बहुत ज़्यादा पुराना सा लगता है ऐसा ना, मतलब कि यहाँ पे कुछ चकाचौंध नहीं, कभी मैंने धूप वगैरह कुछ ऐसा ब्राइट सा कुछ भी कलर नहीं है किसी के भी घर पर, सबके घर ऐसे ही होंगे। कौन से पोस्टर्स? हाँ, पुरानी ही है दुकान नहीं जाते मेरे को लग रहा है। कौन सा
अरे सब कुछ ही मतलब पुराना है इधर ना, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ना पुराना है, बिल्डिंग होगा ना, मतलब ये नई भी बन रही है ना, उसमें भी कलर देखो कितना फिक्के से है। खाना है भुट्टा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों ने सुबह से सिर्फ एक पराठा खाया जो कि बहुत गंदा था, तो हम लोग बस जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी भुट्टे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी गाड़ियों की लाइन लगी है, तो पार्क करने में वहीं पर जगह नहीं मिल रही है, तो अभी हम और ढूंढ रहे हैं। Look at this beautiful view. में जाते जाते बीच में रस्ते में बस तलाई आ गया, और मैंने अमृता को तलाई दिखानी भी थी, सो फाइनली वी आर तलाई, अब हम कुछ खाएंगे यहाँ पे। लेट्स जस्ट गेट आउट फर्स्ट। ये मंदिर है ना, यहाँ पे मंदिर वाले कपड़े नहीं पहन जाए हमने, मंदिर जाते नहीं थे। फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अमृता गई है फोन कलेक्ट करने ताकि फ़ोटो अच्छी आ सके, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इधर आना। इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू विजिट इन शिमला, बिकॉज इट्स सो पीसफुल, मंदिर है यहाँ पे, एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फीलिंग। ले आई तू अपने लिए फूल फॉर फोटो? चलो मैं फोटो खींचती हूँ। So we clicked some beautiful pictures. If you want to see, you can check out my Instagram page. अरे यहाँ पे मैगी और राजमा चावल, meanwhile अमृता is collecting flowers for her photos. Just look at her. She's so cute. So tiny. Just like biscuit. She's adorable. This is the view. मैंने इस यहाँ पे सामने जो ये है रेस्टोरेंट, हमने यहाँ पे खाना खाया और यहाँ पे इतनी गंदी मैगी थी, इतनी गंदी मैगी, मतलब मैंने दुनिया में कभी इतनी गंदी मैगी खाई ही नहीं है, और इतने गंदे राजमा चावल। अगर मैं एक बाइट से ज़्यादा राजमा चावल खा गई तो मुझे शायद राजमा चावल से नफरत हो सकती थी, और इन्होंने हमें मैगी 50-50 की दी, चलो जो कि ठीक था, बट राजमा चावल 100 रुपये की, विच वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट। तो ये आपके साथ ये टूरिस्ट देखते हैं तो ये आपको लूट पड़ रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल भी मत खाना। क्या फीडबैक है अमृता तेरा? बहुत ही खराब था मैगी, बहुत ही खराब था, जोर से बोलना। टेस्टलेस मैगी, और कितने फालतू के राजमा, कितनी महंगी लगाई ना इन्होंने हमें, प्राइस भी ज्यादा था, प्राइस ऐसे ही ज्यादा था, इन्होंने बस देखा कि हमारे साथ कोई पंजाबी है तो बस हम लोगों को ज्यादा ही पैसे दे दिए, बोले 100 रुपए की राजमा की दाल, ना तो सैलेड दिया था उसके साथ ना कुछ और था, कुछ इतनी और गंदी राजमा, इतनी गंदी पानी जैसी राजमा के साथ चावल डाल के दे देते बस ना, ऊपर से मैगी भी 50 रुपए की मैगी, भाई मैगी में मसाला ही था, मैगी का मसाला डाला ही नहीं उन्होंने, उन्होंने सिर्फ उबली हुई मैगी दी थी बस, था कि वो मैगी भी है, सच्ची बता रही हूँ। और मैंने ये 10 रुपए की ऑरेंज मिली, बोली तो 10 रुपए की है ही नहीं, मैंने बोला क्यों नहीं 10 रुपए की, इसमें प्राइस लिखा 10 रुपए का, तो इस जगह पे कभी भी मत जाना, क्योंकि ये आपको अगर आप मतलब यहाँ के लोकल नहीं हो तो वो आपको लूट लेंगे, जो कि हर जगह ऐसा होता ही है, बट इतना भी नहीं कि कम से कम चलो ठीक है अच्छी चीज का पैसे देने का मन करता है, बट तुम इतनी खराब चीज दे रहे हो, फिर उसका तुम पैसे भी मांग रहे हो उसके, वो भी इतने ज्यादा ओवर रेटेड से, तो फॉर मी इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। और मुझे तलाई आके यहाँ पे मैं कभी नहीं खाऊंगी, दिस इज माई प्रॉमिस। तलाई से थोड़ा सा आगे जाके ही क्रेग नैनो पार्क है, जो कि ये रहा क्रेग नैनो, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है क्रेग नैनो पार्क, यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी है, यहाँ पे टिकट लेने पड़ते हैं, तो आप टिकट लोगे यहाँ से, फिर आप ऊपर जाओगे, ऊपर का मैं दिखाती हूँ, मैं ऊपर जाऊँगी पार्क। चलना पड़ेगा ऑब्वियसली, कैंपिंग। मैंने तो कभी नहीं की कैंपिंग, तो यहाँ पे टिकट सिर्फ कैश में ही होता है, तो हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने किसी भैया को UPI करे थे, उन्होंने हमको कैश दिया था, फिर जाके हमने टिकट परचेज करी। माहौल है, बहुत ही शांति है,
ये देखो इतना सुंदर यहाँ पे टॉयलेट्स है और ये बहुत अच्छा सा स्काई है. वी कैन मेक सी. आज अमृता देखो कितना प्यारा है ये. इट्स सो प्रिटी. ओह माय गॉड ज़्यादा ग्रीनरी है. अगर आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से शांति लेनी है एंड यू वांट सम पीस इन योर लाइफ यू शुड कम हियर डेफिनेटली. मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हूँ और कोई भी नहीं है आसपास मुझे देखने वाला. वाओ जस्ट लुक एट दिस. सो यहाँ पे ये मैप लगा हुआ है. इस मैप में सारी डायरेक्शंस है कि आप कहाँ कहाँ से जाओगे और आपके स्टॉप पॉइंट्स में क्या क्या आएगा. तो हम लोगों ने मेन वाला नहीं चुना है. हम लोग जंगल वाले रास्ते से जाएंगे फिर ऊपर से यहाँ से होते हुए वापस आएंगे. सो अगेन बच रही अगेन रॉन्ग चॉइस ऑफ शूज. सच में ना एस्थेटिक फ्लावर्स देखो. चलो बता हम ये लेके चलेंगे घर भी देखो. सारे चीड़ के पेड़ है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. ये रास्ता बहुत ही सुंदर है यार. ये कनर है जिसमें फ्लावर्स होने चाहिए थे. इसे बेल लगी हुई है. यहाँ पे फूल होंगे. थक गए. अब आगे जाके सिटिंग वाला एरिया आएगा. वहाँ पे बैठेंगे और हम लोग चिप्स वगैरह खाएंगे. कोल्ड ड्रिंक लाया इसमें. कोल्ड ड्रिंक लाया नहीं. तो पतला होना है तो चलना पड़ेगा. डोगरी का ऐसा ही है रास्ता ना. वहाँ पे चीड़ के ही पेड़ है तो चीड़ ही चीड़ पड़ा होता नीचे ना. मेरी डोगरी है बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों. और ये मैंने श्रग अगर आप सोच रहे हो मैंने श्रग क्यों पहना है तो मैंने यदि मेरी बाजू टैन हो तो इसीलिए मैंने पहना है. हाय गाइस ये देखिए लंगूर अमृता ये सिटिंग नहीं है. ब्रशवुड चेक डैम. ओह ये कुछ सरोवर टाइप. यहाँ ये तो नहीं है वो पानी का. नहीं वो पानी सूखा हुआ है. करे दोस्तों ये हमें बहका रहे हैं. ओह माय गॉड पर बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब वी मेड अ राइट डिसीजन कि हम लोगों ने एक दिन और स्टे किया और हम लोग फिर से भी आज घूमने आए हैं. है ना अमृता व्हाट यू से. है ना अच्छा डिसीजन था हमारा. बहुत ही अच्छा था. नहीं तो अगर हम लोग अभी जा चुके होते हमारी छुट्टी होती तो हम लोग सो रहे होते इस टाइम तक भी ना. और आलस कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या खाने का ऑर्डर करें क्या खाएं क्या खाएं. लास्ट में हम लोग सिर्फ मैगी खाते या फिर मिक्सी खाते या फिर पिज्ज़ा या फिर बर्गर. और तो ये हमारा प्यारा पेड़ है और मैं इनकी रखवाली करने वाली रक्षक हूँ. और हम गंदगी नहीं फैलाएंगे. हम अपना कबाड़ साथ लेके जाएंगे. वाओ इट्स सो प्रिटी. सो गाइस यहां से जमीन खिसक गई है. मैं ये पकड़ूंगी. सो प्रिटी. वाओ कितना प्यारा है ये.
ना सोच लो टेबल होता काश बीच में ना एक छोटा सा चिप्स वगैरह खा लिया है और हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और मैं थक भी गई हूँ क्योंकि मेरे तो बहुत ज्यादा थक चुकी है और मैं कोई भी बंदर आएगा अच्छा जी करके हमारा पार्क स्टार्ट हो जाता है है। तो इस पार्क में काफी जगह ऐसे पुतले से बने हुए हैं जो कि पहाड़ी कल्चर को दर्शाते हैं और मैं यहाँ पे नाटी कर रही हूँ क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ और पहाड़ी नाटी ही करते हैं तो मैंने दो तीन स्टेप करे पहाड़ी नाटी के और यहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे जहाँ भी देखो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छा है इतना ज़्यादा खूबसूरत सी प्लेस है ये मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब अगर आप यहाँ पे खुद जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कितनी शांति और कितनी पॉजिटिविटी है इस जगह में। आई वॉज सो हैप्पी कि मैं इधर गई मैंने अपना छुट्टी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया वॉज सो हैप्पी। Bye. Enjoy the environment.